गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है लेट श्री राम कुमार कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन लोध में। मैं फिर से आपके सामने तैयार हूँ अध्ययन अध्यापन कार्य हेतु। हमारे सब्जेक्ट का या विषय का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, विकलांगता का परिचय, जिसमें हम आज विद्यार्थियों का समूहीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों का समूहीकरण में सर्वप्रथम है पूर्व प्राथमिक स्तर, प्री प्राइमरी लेवल। इस वर्ग में 3 से 6 वर्ष के आयु के समूह के बच्चे आते हैं। यह एक कौशल व्यक्ति का सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक एवं मनोरंजनात्मक होती है। तो इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं उनको शामिल किया जाता है एवं ये स्किल्स डेवलपमेंट जैसे इंडिविजुअल, सोशल, एजुकेशनल एवं ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल, और ये पूरी तरह से इंटरटेनमेंट के द्वारा इनको शिक्षण कराया जाता है। दूसरा है प्राथमिक फर्स्ट, इस वर्ग में कक्षा में प्रवेश पाने की आयु लगभग 7 वर्ष होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निर्धारित बच्चों में 90% या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिक 1 के लिए प्रोन्नत किया जाता है। तत्पश्चात है प्राथमिक 2, प्राथमिक सेकंड। इस वर्ग में 6 से 8 वर्ष के बाद यदि छात्र पूर्व प्राथमिक स्तर पर निर्धारित कौशल में 80% सफलता प्राप्त नहीं करता है तो उसे प्राथमिक 2 में प्रवेश दिया जाता है। तो 8 वर्ष के बाद के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व प्राथमिक स्तर में अगर 80% तक के कौशल, जिसमें एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल और एजुकेशनल होते हैं, उनको अगर नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है तो इनको फिर प्राथमिक सेकंड में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद है माध्यमिक, तो माध्यमिक इस वर्ग में प्राथमिक स्तर पर 80% या अधिक सफलता प्राप्त करने वाले 11 से 14 वर्ष के आयु को माध्यमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। जो बच्चे पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक फर्स्ट व प्राथमिक सेकंड स्तर पे 80% कौशलों को ग्रहण कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनको हम माध्यमिक कक्षा में प्रवेश देते हैं। पूर्व व्यावसायिक तथा फर्स्ट एंड सेकंड है। इसके बाद इस वर्ग आयु में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे आते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है एवं मूलभूत कार्यों, कौशलों तथा घरेलू कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 18 वर्ष से अधिक की आयु के मंदबुद्धि व्यक्तियों को मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ व्यावसायिक इकाइयों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। FACP जाँच तालिका में व्यावसायिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं।
तो मूलभूत जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्य होते हैं, उनके लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद है संरक्षित समूह। इस वर्ग में अति अल्प योग्यता वाले बच्चे आते हैं। इन बच्चों को गंभीर विकलांगता के कारण आजीवन परिचर्या सेवा नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है। इन्हें मूलभूत कौशलों जैसे पानी पीना, खाना खाना, शौच करना तथा गामक क्रियाएं एवं संप्रेषण कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पाठ्यक्रम क्रिया योजना, करिकुलम एक्शन प्लान CAP। पाठ्यक्रम क्रिया योजना CAP। CAP में विकासात्मक कौशल के स्तर को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन एवं लघुकालीन लक्ष्यों का चयन किया जाता है। इसमें वार्षिक रिपोर्ट को शिक्षक अभिभावकों के समक्ष चर्चा भी करता है। बच्चों के वर्तमान स्तर को आंकने हेतु शैक्षणिक आकलन का स्तर देखना, कौशल स्तर में बच्चा करता है इसकी रिकॉर्डिंग करना, छात्रों के लघुकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य का नियोजन करना, IEP कार्यक्रम का निर्धारण करना, किसी भी स्तर के बच्चों के लिए छात्र केंद्रीय पाठ्यक्रम का विकास करना। ये पुस्तिका प्रश्नावली पर आधारित आकलन पुस्तिका है। इसमें बच्चे को आगे क्या पढ़ना है, बच्चों का स्तर क्या है आदि पूर्ण विवरण है, इसलिए ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस में बहुत सहायक होता है। पाठ्यक्रम क्रिया योजना को 3 स्तरों पर बनाया गया है, जिसमें है प्राथमिक 2 से 10 वर्ष, माध्यमिक व्यावसायिक। प्राथमिक 2 से 10 वर्ष, माध्यमिक 11 से 16 वर्ष, व्यावसायिक 17 से अधिक। प्रत्येक स्तर में 4 घटक होते हैं, जिसमें CAP पाठ्यक्रम क्रिया योजना, व्यक्तित्व अभिलेख प्रपत्र, वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म, व्यवहारिक अवलोकन फॉर्म और 4 खाली। इसके बाद है प्राथमिक 2 से 10 वर्ष। इस स्तर के CAP फॉर्म को सोशलाइजेशन में कुल 35 आइटम है तथा भाषा में 63 आइटम, सेल्फ हेल्प में 66 आइटम, कॉग्निटिव में 69 आइटम, गामक में 70 आइटम हैं। माध्यमिक में इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के मुख्य 11 आइटम हैं तथा इसके अंतर्गत कुल 11 क्रियाएं तथा 31 सहक्रियाएं हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट में मुख्य 6 क्रियाएं जिनके अंतर्गत 13 सह क्रियाएं हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुख्य 5 तथा इसके अंदर 15 सह क्रियाएं हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में 4 तथा उसके अंतर्गत 59 आइटम्स हैं। नेबर एंड टाइम में कुल 4 क्रियाएं हैं तथा 26 सह क्रियाएं हैं। पूर्व व्यावसायिक में 3 क्रियाएं तथा उसके अंतर्गत 12 सह क्रियाएं हैं। सेल्फ डायरेक्शन में 3 क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत 12 सह क्रियाएं हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 क्रियाएं तथा 14 सह क्रियाएं हैं। सोशलाइजेशन में कुल 6 क्रियाएं तथा 19 सह क्रियाएं हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय मंदबुद्धि बच्चों के लिए व्यवहार मूल्यांकन मानदंड बेसिक एम आर बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद द मेंटल रिटार्डेशन जिसको बेसिक एम आर कहते हैं। बिहेवियर असेसमेंट और स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन बेसिक एमआर का विकास एमएच सिकंदराबाद की मैडम रीता पेशरुया और एसके वेंकटेश ने विशेष विद्यार्थियों में मानसिक विकलांग बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए व्यवहारिक तकनीक के उपयोग पर सामग्री तैयार करने के लिए बनी परियोजना के भाग के रूप में किया था। लेकिन बेसिक एमआर का निर्माण 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले मानसिक विकलांग बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर को दर्शाने तथा उनके लिए कार्यक्रम योजना बनाने के लिए किया गया था। शिक्षक इस उपकरण को पुराने गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी पा सकते हैं। व्यवहारिक आकलन के लिए ये उपकरण तर्कसंगत है और कार्यक्रम योजना के लिए इसे पाठ्यक्रम निर्देशिका के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मानसिक विकलांग बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। विषय वस्तु इस उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें है बेसिक एमआर पार्ट ए बेसिक एमआर पार्ट बी। बेसिक एमआर पार्ट ए में कुल 7 कौशल क्षेत्र हैं। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में 40 क्रियाएं हैं जो अवलोकन तथा मापन योग्य हैं जिसे सरल से जटिल के क्रम में रखा गया है। इसमें दिए गए कौशल क्षेत्र हैं गामक कौशल गामक कौशल यानी कि आर्थो स्किल्स से मतलब है चलने फिरने से जरूरत योग्य दैनिक जीवन के क्रियाकलाप दैनिक जीवन के कलाब भाषा पठन व लेखन
सामाजिक। गामक कौशल दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जैसे सेल्फ डिपेंड होना, घर के कामों में, अपने कामों में, खुद की सफाई करना, खाना खाना, पानी पीना आदि। भाषा यानी भाषा का हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है उसका ज्ञान होना, पठन लेखन लिखना पढ़ना, संख्या समय अंकों के बारे में जानना तथा समय देख पाना, घरेलू सामाजिक घरेलू में घर में कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे उठा बैठा जाता है या लोगों से कैसे मिला जाना उसका जानना, पूर्व व्यावसायिक पैसा व्यवसाय से पूर्व पैसे आदि की पहचान होना। प्रत्येक कौशल क्षेत्र में छात्रों का निष्पादन को 6 स्तर के आधार पर अंक दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। स्वावलंबी या सेल्फ डिपेंड होने के लिए 5 अंक, संकेत देने पर 4 अंक, शाब्दिक सहायता देने पर 3 अंक, शारीरिक सहायता देने पर 2 अंक, पूर्णता निर्भर पर 1 अंक और शिक्षा नॉट अवली केवल। अब बेसिक एमआर पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 1 था ये, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। उग्रवाद विनाशक व्यवहार चिड़चिड़ा मन घातक व्यवहार दूसरों के साथ दुर्व्यवहार अनोखा
व्यवहार अतिशय चलता। और अंतिम है असामाजिक व्यवहार। तो ये हैं बेसिक MR के पार्ट 2 के चेकलिस्ट्स, जिसमें उग्र व विनाशक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो हमेशा डिस्ट्रॉइंग नेचर का हो, तोड़फोड़ करना जिसका काम हो, चिड़चिड़ापन रहना, किसी चीज़ को कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको बुरा लगना, स्वयं घातक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो इसे वो स्वयं को ही नुकसान पहुँचाए, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, सामने यदि कोई व्यक्ति मिल रहा है या समाज में वो जा रहा है तो ऐसा व्यवहार करना जो दूसरों को अच्छा ना लगे, पुनरावृत्ति व्यवहार, एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करना, अनोखा व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिसकी किसी को उससे आस्पेक्ट ही ना हो, किसी ने सोचा नहीं हो कि ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करेगा, अति चंचलता होना, बहुत ज़्यादा शैतान होना, विद्रोही व्यवहार, हर चीज़ के कार्य के लिए विद्रोह करना, और अंतिम है असामाजिक व्यवहार, जो समाज में व्यवहार पसंद ना किया जा सके ऐसा व्यवहार करना, यानी असामाजिक व्यवहार। इन क्षेत्रों की मदद से बच्चों की समस्यात्मक व्यवहार को आंका जाता है। बेसिक MR पार्ट बी में समस्यात्मक व्यवहार को गंभीरता आवृत्ति के आधार पर 3 स्तरों पर बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं, कभी नहीं पे 0 अंक, कभी कभी पर 1 अंक व बार बार पर 2 अंक। देर से पहचाने गए बच्चों में शीघ्र हस्तक्षेप। जिस प्रकार से शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम द्वारा बच्चों को पहचान कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है एवं आसानी से समस्या को ठीक या सुधारा जा सकता है, परंतु किसी कारणवश यदि बच्चे की समस्या को 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत पहचान नहीं हो पाई है तो बच्चों की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक समान बच्चा 5 वर्ष की आयु तक उसके शरीर, चलना, दौड़ना, बैठना, खड़े होना, मानसिक एवं भाषा
विकास 5 वर्ष की आयु तक 80% तक विकास हो जाता है। इसी कारण अगर 5 वर्ष के बच्चों की समस्या का समाधान करना कठिन होता है। देर से पहचाने गए बच्चों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम। इन बच्चों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है गामक कौशल। गामक कौशल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसे बच्चे गामक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े होते हैं। ऐसे बच्चों को चलने फिरने में कभी कभी सक्षम नहीं होते। इनमें कुछ गामक कौशलों की क्षतिपूर्ति करने या उस कौशलों को बढ़ने के लिए कुछ सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। जैसे अगर किसी का पैर नहीं है तो आर्टिफिशियल लिम्स लगवाना। स्वयं सहायता कौशल, स्वयं सहायता कौशल, क्योंकि इन बच्चों को सीख हस्तक्षेप कार्यक्रम नहीं बनाया गया होता है, इनकी समस्या की पहचान काफ़ी देर से की जाती है। इन बच्चों में स्वयं सहायता कौशल में भोजन करने, कपड़े पहनने, शौचालय के कौशल करने में पिछड़ापन या नहीं कर पाना हो जाता है। इन बच्चों को पहचान के माध्यम से एवं सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्वयं सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल बच्चों को सिखाने के लिए समूह प्रशिक्षण देना चाहिए। इस कौशल का संबंध अपनी भावनाओं को व्यवस्थित रखने में, व्यक्त करने या दूसरे से संपर्क या संबंध स्थापित करने के अधिक परिपक्व तरीकों के विकास से है। इन्हें गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उन्हें सामाजिक कौशल देने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है तथा विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य कौशल। इन कौशलों का प्रशिक्षण विकलांग को उस परिवेश में स्थान दिलाएगा जिसमें उन्हें रहना है। इसके लिए उनके परिवारों को समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि सेवा केंद्र में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को घर परिवार में अधिक दृढ़ किया जा सके। नेक्स्ट है सामुदायिक कौशल। समुदाय कौशल के अंतर्गत बच्चों को समुदाय कौशल सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, उन्हें समाज में मिलना जुलना चाहिए। तत्पश्चात है शैक्षिक कौशल।
ऐसे बच्चों को शिक्षा में काफ़ी पिछड़े होते हैं, वे अपने उम्र समूह के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है। इन बच्चों को अपने छोटे बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए तथा गृह शिक्षा पर विशेष तथा अलग से पढ़ाना चाहिए। और अंतिम है मनोरंजन कौशल। इन बच्चों को मनोरंजन के कौशल को अपने उम्र बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो क्या थे ये 150 से 150 बच्चों में सीख सच्चे में गामक कौशल, स्वयं सहायता कौशल, सामाजिक कौशल, गृह कार्य कौशल, सामुदायिक कौशल, शैक्षिक कौशल व मनोरंजन कौशल। तो यहाँ पे यूनिट 4.3 ख़त्म होती है। कल से हम नई अपनी इकाई यूनिट 4.4 सीख हस्तक्षेप की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँगा कि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।